अच्छा जी कुछ समझ भी आ रही है अभी तक ये वैसे ही सर के ऊपर से गुजरा है होप कि अभी तक आप लोगों को सही समझ आ रही होगी और आप चीज़ों को साथ साथ ट्राई कर रहे होंगे ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इसमें आपने साथ साथ सीखना है साथ साथ चीज़ों को ट्राई करना है तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप एक वीडियो या एक लेसन देखें तो उस चीज़ को ट्राई करें ग्रुप में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को सिखाएं सिखाने से बंदा सबसे ज़्यादा सीखता है सो प्लीज़ यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न एज मच एज़ पॉसिबल इस लेसन में हम बात करेंगे फीचर्ड इमेज की फीचर्ड इमेज या फीचर्ड पिक्चर क्या होती है फीचर्ड पिक्चर या फीचर्ड इमेज क्या होता है एग्जैक्टली सो फीचर्ड इमेज इज योर मेन इमेज ये वो इमेज है जो हर किसी को नजर आएगा पहली दफ़ा जब वो आपकी वेबसाइट खोलेंगे या ये वो इमेज भी है जो अगर आपने अपनी वेबसाइट को लिंक किया हो किसी सोशल मीडिया के पेज पे जिस तरह फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया तो उधर भी जो उनको मेन इमेज एक नज़र आ रहा होता है दैट इज नोन एज योर फीचर्ड इमेज एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट इमेज इट्स ऑल्सो नोन एज द हीरो इमेज इसको काफ़ी ऑनलाइन आप पढ़ेंगे तो लोग इसको एक लफ्ज यूज़ करते हैं इसका हीरो इमेज ये भी इसको कहा जाता है इसको थम नेल भी कहा जाता है सो so ये आपने कुछ लफ्ज़ हैं जो अपने जहन में रखने हीरो इमेज थम इमेज फीचर्ड इमेज दिस होल सीरीज इज़ ऑल अबाउट इमेज सो हम इसीलिए यहाँ पर बार बार इमेज और पिक्चर्स का जिक्र करें लेकिन uh, सवाल ये है कि फीचर्ड इमेज इतना ज़रूरी क्यों है वाई इज़ फीचर्ड इमेज सो इम्पॉर्टेंट कि पूरी वर्ल्ड प्रेस ने इसकी एक अलग से एक सेक्शन uh, इसका दे दिया है या इसकी एक फीचर दे दिए वो इसलिए क्योंकि फीचर्ड इमेज अलाउज़ यू टू सेट अरो इमेज पोस्ट और पेज जो कि सोशल मीडिया पे फिर नजर आएगा इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ योर वेबसाइट और काफी ज्यादा आप अगर वेबसाइट्स पे गए हों या वेबसाइट्स को विजिट करते हो तो किस तरह आपको पता लगता है कि आपने इस चीज पे क्लिक करके या इस लिंक पे जाना है वो इसीलिए क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा सा आपको सामने एक इमेज नजर आ रहा होगा एक कवर फोटो टाइप नजर चीज आ रही होगी सो दैट्स द ब्यूटी ऑफीर्ड इमेज एक क्वेश्चन जो शायद आप अपने जहन में सोच रहे हो कैन आई एड मोर देन वन फीचर्ड इमेज टू माई वेबसाइट सो दिस रियली डिपेंड्स ऑन द थीम दैट यू आर यूजिंग या प्लग की मदद से भी आप एक से ज़्यादा फीचर्ड इमेज एड कर सकती हैं बट यूजली इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थीम एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन वट टाइप ऑफ प्लग इन्स यू आर यूजिंग एक और क्वेश्चन जो आपके जेन में आए हाउ एंड वेयर विल द इमेज डिस्प्ले ऑन द वर्ल्ड प्रेस साइट यूजअली तौर पे ये वो पहला इमेज है जो आपके लिंक पे सबसे टॉप पे नज़र आता है लेकिन काफ़ी थीम्स इसको डिफरेंट तरह से हैंडल करती हैं हम आपको बताएंगे कैसे ऐड करते हैं सो डोंट वरी अबाउट दैट बट रेफर टू योर थीम टू सी के फ्यूचर इमेज आपको एग्जैक्टली exactly कहाँ पे नजर आएगा यूजअली इट्स द फर्स्ट इमेज दैट यू नोटिस व्हेन यू ओपन अ पोस्ट और अ पेज कुछ केसेस में कुछ थीम्स पेजेस पे ये इमेज नहीं दिखाती बट दे स्टिल शो अप एज सोशल मीडिया पे जब आप इसको लिंक को शेयर करेंगे वहाँ ये इमेज फिर भी नज़र आएगा एक और क्वेश्चन जो आपके जहन में आए कैन आई पिक अ फीचर्ड इमेज फ्रॉम गूगल कि जी गूगल पर इतने ज़्यादा इमेज हैं मैं कोई भी उठा के डाल लूँ क्या ये सही है सो so, यूजअली आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू दैट क्योंकि जो भी इमेज़ इंटरनेट पर पड़े हुए हैं उनका एक सर्टन लाइसेंस होता है और अगर आप कोई भी एक इमेज uh, uh, जो आपके पास लाइसेंस नहीं है उसको आप यूज़ करते हैं यू कैन गेट इन ट्रबल एंड योर साइट कैन बी शट डाउन सो बी अटल केयरफुल हाँ अगर आपके फ़ोन में कोई पिक्चर्स पड़ी हुई हैं उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं एस फीचर इमेज यू आर फ्री टू डू दैट उसके अलावा कुछ साइट्स हैं ऑनलाइन जो आपको फ्री हीरो इमेज स्टॉक इमेज भी फ्राहम करती हैं उनको भी प्लीज़ रेफर कर लें एक और क्वेश्चन जो आपके जेन में आएगा इज़ इट ओके टू यूज़ इमेज यू नो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट कि जी गूगल से तो मैंने सर्च किया ही ठीक है लेकिन कोई भी इमेज उठा के मैं डाल लूँ अगेन द आंसर इज शॉर्ट एंड स्वीट नो इट्स नॉट ओके प्लीज़ बी केयरफुल लाइसेंस देखें उस इमेज का और उसको अकॉर्डिंगली यूज़ करें सो हाउ टू सेट फीचर्ड इमेज कैसे एक फीचर्ड इमेज आप सेट करेंगे जैसे ही अपनी आप पोस्ट खोलेंगे आपको राइट right साइड पे एक नज़र आ रहा होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं राइट साइड पे एक सेक्शन है फीचर्ड इमेज का वो आपको नजर आ रहा होगा ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्लिक सेट फीचर इमेज एंड जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल गेट अ डायलॉग बॉक्स उस डायलॉग बॉक्स से आप कोई भी एक नया इमेज ऐड कर सकते हैं या आप कोई भी इमेज ऑलरेडी अपलोडेड है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं सो यू विल ऐड अ फीचर्ड इमेज लाइव विद अस लेकिन इससे पहले कि आप फीचर्ड इमेज हमारे साथ ऐड करें इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी के फीचर्ड इमेज़ बाकी वेबसाइट्स पे कैसे देखते हैं एंड हाउ डू दे दर सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगोबाज डॉट कॉम एंड बी गुरु डॉट कॉम हम दोनों साइट्स को अब यहाँ पे लाइव खोलते हैं और हम देखते हैं कि फीचर्ड इमेज़ आपको कैसे नज़र आएंगे सो फर्स्ट वी विल टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ मैंगोबाज डॉट कॉम हम इस साइट को खोलेंगे और हम इसमें देखेंगे कि फीचर्ड इमेज हमें कैसे दिखते हैं सो so, एक तो आ, आपको यहाँ पे कुछ थंबनेल्स नज़र आ रहे होंगे दीज आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ फीचर्ड इमेज सो अगर ये हॉन्टेड हाउस की यहाँ पे बात हो रही है तो ये जो आपको थंबनेल नजर आ रहा है दिस इज अ फीचर्ड इमेज अगर मैं इसको खोलूंगा तो यहां पे जो मुझे uh, नजर आ रहा है एक्स टॉप पे इमेज दैट्स अ फीचर्ड इमेज ये जहन में रखें कि पोस्ट के अंदर भी काफी ज्यादा इमेजेस हैं बट दो आर नॉट फीचर्ड इमेज फीचर्ड इमेज सिर्फ एक होता है यूजली तौर पर एंड दैट इमेज इज द इमेज दैट शोज ऑन द टॉप अच्छा अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम बींग गुरु डॉट कॉम खोल रहे हैं और बींग गुरु डॉट कॉम पे वी आर सींग फीचर इमेजेस ये एक इमेज है जो आपको आ, हर जगह नजर आ रहा है दिस इज द फीचर इमेज खुद हम ऐड करेंगे सो so खुद हम ऐड करने के लिए वट विल डू इज विल गो टू डी जी स्किल्स साध हामिद और डायरेक्टली हम इसको लॉग इन कर लेंगे एंड वील सी हाउ वी कैन एड अ फीचर इमेज टू आर वेबसाइट सो मैंने लॉग इन किया एंड नाउ आई विल गो एंड क्रिएट अ न्यू पोस्ट And I'll give it a title post with a featured image. और यहाँ पे कोई content नहीं है, या मैं लिख देता हूँ this is a dummy content. But right पे अगर आप देखें नीचे, this is the place to set a featured image. और यहाँ से I can just click on any of the images and then I can set a featured image.

अगर आप एक नया फीचर्ड इमेज डालना चाहें जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सो यू कैन यूज द सेम टेक्निक दैट आई टोल्ड यू कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप से एक इमेज ऐड कर सकते हैं सो आई क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम माई विंडोज का फोल्डर एंड आई कैन जस्ट सेट अ फीचर इमेज हियर अगेन एंड आई कैन क्लिक ऑन सेव इसी तरह पेजेस पे आप फीचर्ड इमेज भी ऐड कर सकते हैं कुछ केसेस में थीम पे डिपेंड करता है कि वो नज़र आएगा कि नहीं है नज़र आएगा बट इट गोज़ सेम फॉर पेजेस एज़ वेल तो ये एक पेज है जिस पे मैंने आपके सामने एक डमी फीचर्ड इमेज ऐड किया है मैं इसको अभी खोल के देखता हूँ कि इस थीम में ये दिखा रहा है कि नहीं और ये दिखा रहा है सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल वे टू सी हाउ यू कैन ऐड फीचर्ड इमेज फीचर्ड इमेज मेक योर साइट ब्यूटिफुल सो फ्यूचर इमेजेस को यूज़ करें प्लीज़ किसी और के इमेजेस ना यूज़ करें अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल परपजेस के लिए यहाँ पर दिखा रहा था लेकिन मेक श्योर यू गेट लाइसेंसड इमेज और ट्राई टू गेट इमेज फ्राम अ फ्री वेबसाइट जिधर इमेज इस तरह के फ्री अवेलेबल हों यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट हाउ टू प्ले विद इमेज़ज सो कीप लर्निंग विद अस एंड स्टे इन टच